कोर्ट से निकलते हुए कोर्ट की तरफ बढ़ते हुए परिवार कल्याण न्यायालय कोर्ट की तरफ पवन सिंह चलो घेरा बना लो पवन सिंह भाग रहे हैं पवन सिंह एक और आदमी करके निकल जाओ अंदर जाना चाहिए आपका नाम और परिचय। मैं गौरी शंकर सिंह जी। अभी क्या हुआ है? अभी पवन सिंह जैसे घुसे बाहरी गुंडे आके गेट बंद करके महिला को घुस रहे ज्योति सिंह घुस रहे नहीं दे रहे हैं सब। ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी है। अच्छा। ये बाहरी गुंडे पिस्टल लगाए हुए इतने देखिए देखिए मीडिया को दिखाइए। अच्छा। और कोर्ट न्यायालय में प्रशासन है उसके बावजूद भी ताला गेट बंद कर दिए जो कि महिला को धक्का मुक्की कर सामना करना पड़ा। अच्छा। और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि मैं महिला के सम्मान में स्वाभिमान में सब कुछ करेंगे। क्या हो रहा है? स्टार प्रचारक है पवन सिंह और पत्नी को छोड़ दिया, तीन तीन पत्नियों को छोड़ दिया। क्यों स्टार प्रचारक बने? मैं जेपी नड्डा से पूछना चाहता हूँ यहाँ किस तरीके का मामला है परिवारवाद में? परिवारवाद में उनका ज्योति सिंह का उनका कुछ मामला है, तलाक का चल रहा है, पवन सिंह का उत्पीड़न कर रहा है आज चार साल से। तो आज पेशी थी और ये बाहरी गुंडा लगा करके पवन सिंह ने बाधित करने का काम। मेरा नाम अखिलेश कुमार सिंह है और मैं ज्योति सिंह पीड़िता का अधिवक्ता हूँ। आज पवन सिंह को हाजिर होना था, कोर्ट निर्धारित तारीख तय की थी जिसमें आज पवन सिंह आए और हाजिर हुए। हमने अंतरिम भरण पोषण के लिए 2 लाख रुपए की प्रतिमा मांग किया है जब तक मुकदमा निस्तारण न हो। उसी पर सुनवाई जो है 22 को लगी है, 20 दिसंबर को, और 20-12 को निस्तारण होगा। उस दिन भी पवन की पेशी होगी। अंदर किस तरह से हंगामा हुआ था, क्यों हुआ था? कोर्ट में जो दरवाजा बंद हुआ पीड़िता पक्ष को रोका गया, कौन लोग बाउंसर थे उनके द्वारा रोका गया, लेकिन अंदर जाने पर सब शांत हो गया। हम लोग अंदर पूरी तरह गैर कानूनी है। नहीं, कोर्ट के अंदर नहीं, कोर्ट के अंदर नहीं गए थे। ये सब गलत अफवाह है। जो भी जो इज्जत मिला था वो इज्जत दिया गया। बड़ी भारी आज किन कारणों से सुनवाई नहीं हो सकी है? सुनवाई हुई है, जो सुनवाई हुई है जो प्रक्रिया के तहत हुई है थोड़ा सा ही हुआ है। मैडम द्वारा सुना गया, कहा गया कि कब दे दिया जाए। अंतरिम दरखास्त पड़ी है, उस पर सुनवाई 20-12 को होगी, क्योंकि पहले दिन कोई सुनवाई नहीं होती है।